नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इन कंटिन्यूएशन ऑफ टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनाटॉमी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेलुलर आर्किटेक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। सो नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, न्यूरॉन और नर्व सेल, न्यूरोग्लिया और न्यूरोग्लियल सेल्स, और अदर वर्ड्स नर्व सेल एंड न्यूरोग्लियल सेल्स और न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। सो नर्व सेल और न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स और न्यूरोग्लिया फॉर्म्स द नर्वस टिश्यू। वी सी स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन इन विच वी फाउंड डेंड्राइट्स, सोमा, न्यूक्लियस, नीजल ग्रेन्यूल्स, एक्जोन हिलक, नोड ऑफ रेनवियर, एक्जोन टर्मिनल, स्वान सेल, एक्जोन, एक्जोलिम्मा, न्यूक्लियस, माइलिन शीथ। डेंड्राइट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स ब्रांच ऑफ ए ट्री। सो इफ यू सी डायग्राम ऑफ द मल्टीपोलर न्यूरोन इन विच वी सी फ्रॉम सेल बॉडी सोमा इज डेवलप्ड एंड फर्दर न्यूमरस ब्रांचिंग अपीयर्स इन दैट कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स रिसीव द इम्पल्सेस एंड एक्जोन ट्रांसमिट द इम्पल्सेस थ्रू सिनेप्स। सेलुलर आर्किटेक्चर कंटिन्यूएशन। सो नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स और न्यूरोग्लिया। सो नंबर वन, नर्व सेल और न्यूरॉन, ईच न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, सेल बॉडी, सेल प्रोसेसेस। सो सेल बॉडी इज कलेक्टिवली दे फॉर्म ग्रे मैटर एंड द न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर एंड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है एंड गैंग्लिया इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये गैंग्लिया के रूप में जाना जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर एंड न्यूक्लियाई। सेल प्रोसेसेस, सेल प्रोसेसेस इट इज ऑफ टू टाइप्स। प्रोसेस मीन्स प्रोजेक्शन। सो सेल प्रोसेसेस इज ऑफ टू टाइप्स, डेंड्राइट्स एंड एक्जोन। डेंड्राइट्स आर मेनी शॉर्ट रिचली ब्रांच्ड एंड ऑफन वेरिकोस इन अपियरेंस इन सम कंडीशंस। एक्जोन इज ए सिंगल इलोंगेटेड प्रोसेस। कलेक्टिवली द एक्जोन फॉर्म ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट्स इन नर्वस सिस्टम
In future video, we see different tracts: pyramidal tract, thalamic tract, ascending tract, descending tract, etc. So, axon is single elongated process. Collectively, the axon forms tracts or white matter in central nervous system and nerve in peripheral nervous system. The branches of axon generally arise at right angle and called the collaterals. Neuroglial cells or neuroglia is second component of the nervous tissue. So neuroglial cells forming the supporting or connective tissue of the central nervous system. Neuroglial cells or neuroglia central nervous system में ये connective tissue और supportive tissue का formation करता है, जबकि peripheral nervous system में इसका नाम स्वान सेल है, इसे हम स्वान सेल के नाम से जानते हैं, SCHWANN स्वान सेल्स. बोथ टाइप ऑफ सेल्स आर सप्लाइड बाई एबंडेंट ब्लड वेसल्स. फंक्शनली ईच न्यूरोन इज स्पेशलाइज्ड फॉर सेंसिटिविटी एंड कंडक्टिविटी. फंक्शनली प्रत्येक न्यूरोन, ईच न्यूरोन इज स्पेशलाइज्ड. स्पेशलाइज्ड मीन्स अपने काम में विशेषता, इसका विशेष काम ही है. सेंसिटिविटी एंड कंडक्टिविटी, बाहरी सेंसेशन को रिसीव करना और कंडक्ट करना, कंडक्शन, एक दूसरे से आदान प्रदान करना. द इम्पल्सेस कैन फ्लो अबाउट 125 मीटर पर सेकेंड स्पीड. जो इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं, अगर हमें पैर में चींटी काटती है और उसका सेंसेशन जो हमें मालूम होता है, इसका स्पीड लगभग 125 मीटर प्रति सेकेंड है. द इम्पल्सेस फ्लो टुवर्ड्स द सेल बॉडी इन द डेंड्राइट्स एंड अवे फ्रॉम सेल बॉडी इन द एक्जोन. डेंड्राइट से आता है और एक्जोन से बाहर जाता है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ देयर प्रोसेसेस, उसमें प्रोजेक्शन कितने हैं. यूनिपोलर, बाईपोलर, स्यूडो यूनिपोलर एंड यूनिपोलर, ये चार प्रकार हैं. मल्टीपोलर, बाईपोलर, स्यूडोपोलर एंड यूनिपोलर. सो मल्टीपोलर न्यूरॉन ऑल मोटर एंड इंटरनुंशियल न्यूरॉन में पाए जाते हैं. मोटर न्यूरॉन मीन्स जो सेंटर टू पेरीफेरी को जाता है, एंड इंटरनुंशियल न्यूरॉन, इंटरनुंशियल मीन्स होता है इनर और इंटर न्यूरॉन बीच का, जो कंडक्शन के काम करते हैं. बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ द रेटिना, गैंग्लिया ऑफ 8 क्रेनियल नर्व एंड ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा. बाइपोलर न्यूरॉन जो है रेटिना में, फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ द रेटिना, गैंग्लिया ऑफ 8 क्रेनियल नर्व एंड ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा में पाए जाते हैं. स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, एक्चुअली यूनिपोलर टू बिगन, इसकी शुरुआत यूनिपोलर के रूप में होती है, लेकिन बाद में ये फंक्शनली बाईपोलर हो जाते हैं. इट फाउंड इन डोर्सल नर्व रूट गैंग्लिया एंड सेंसरी गैंग्लिया ऑफ द क्रेनियल नर्व. यूनिपोलर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द मेजेंसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व. इट ऑल्सो अकर ड्यूरिंग फीटल लाइफ. अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ
एक्जॉन, एक्जॉन के लंबाई के आधार पर भी न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें गोल्जी टाइप वन, गोल्जी टाइप टू, एमाक्राइन विदाउट एक्जॉन ओनली विथ डेंड्राइट। गोल्जी टाइप न्यूरॉन में एक्जॉन की लंबाई ज़्यादा होती है, लंबी होती है। गोल्जी टाइप टू में एक्जॉन की लंबाई छोटी होती है, उससे कम होती है। और तीसरा, एमाक्राइन न्यूरॉन्स में एक्जॉन नहीं होता है, ओनली डेंड्राइट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? गोल्जी टाइप वन न्यूरॉन जो है ये पिरामिडल सेल्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पुरकिंजे सेल्स ऑफ सेरेबेलम एंड इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये पिरामिडल सेल्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पुरकिंजे सेल्स ऑफ सेरेबेलम एंड इंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। गोल्जी टाइप टू, दीज आर न्यूरॉन्स विथ स्मॉल एक्जॉन, इनके एक्जॉन की लंबाई छोटा हो जाता है, एंड इस्टेब्लिश सिनेप्सिस विथ नेबरिंग न्यूरॉन्स। सिनेप्स का जो प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, अपने पड़ोसी न्यूरॉन्स ये मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलर कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलर कॉर्टेक्स दोनों में पाए जाते हैं। एमाकाइन न्यूरॉन सीन इन रेटिना ऑफ आईबॉल, इसकी दूसरी विशेषता है कि मैच्योर होने के बाद में इनमें सेल डिवीजन नहीं होती है। ब्रेन ट्यूमर एराइजेज चिफली फ्रॉम द न्यूरोग्लियल सेल्स, ब्रेन ट्यूमर मैक्सिमम जो भी होते हैं वो न्यूरोग्लियल सेल से ओरिजिन होते हैं, इसलिए हमें इसकी जानकारी ज़रूरत है। अगर हम टू द पॉइंट टर्मिनोलॉजी और पॉइंट वाइज नहीं याद करते, नहीं पढ़ते, तो फिर हम MRI या CT स्कैन के रिपोर्ट को भी नहीं समझ सकते। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज सेंसरी न्यूरॉन्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स दैट इज पैरासिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। सो फर्स्ट वी सी सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स इज ऑफ थ्री टाइप्स, प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, टर्शियरी और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स। सो फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स और प्राइमरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड इन ब्रेन स्टेम, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम। थर्ड ऑर्डर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स और टर्शियरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन थैलेमस। मोटर न्यूरॉन्स, दीज कैरी इम्पल्सेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सेंटर टू पेरीफेरी जाते हैं। दीज सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन आर सिचुएटेड इन मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन, वेयर एज लोअर मोटर न्यूरॉन लोकेटेड इन क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई एंड इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अपर मोटर न्यूरॉन मेक सिनेप्स विथ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई एंड इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वेयर एज लोअर मोटर न्यूरॉन इमर्जिंग फ्रॉम दीज न्यूक्लियाई सप्लाई द वेरियस स्केलेटल मसल्स। सो दिस इज नेसेसरी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द केसेज ऑफ पैरालिसिस, कॉज लाइज इनसाइड अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन।
पैरासिंपैथेटिक न्यूरॉन्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स. सो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन क्रेनियल नर्व 3rd, 7th, 9th, and 10th, ऑल्सो इन सैक्रल 2 to 4 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आर लोकेटेड क्लोज टू द वॉल और विद इन द वॉल ऑफ द विसरा. द पैरासिंपैथेटिक आउटफ्लो इज कॉल्ड क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो. क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो. सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स. सो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स लोकेटेड और सिचुएटेड इन द लैटरल हॉर्न ऑफ थोरेसिक 1 to lumbar 2 सेगमेंट, T1 to L2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर सिचुएटेड इन द गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक अवे फ्रॉम द विसरा. सो सिंपैथेटिक आउटफ्लो इज कॉल्ड थोरैकोलंबर आउटफ्लो. सो वी सी इन पैरासिंपैथेटिक क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो एंड इन सिंपैथेटिक न्यूरॉन थोरैकोलंबर आउटफ्लो. क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू शेप. According to shape, it is divided into 4 types: stellate, basket, fusiform, and pyramidal. Stellate, basket, fusiform, and pyramidal. According to size, microneuron and microneuron. So size of microneuron is more than 7 micron, and microneuron less than 7. माइक्रो. सो दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड क्लासिफिकेशन. थैंक यू. आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स and practitioner and teachers to like, share and subscribe this channel and give me valuable suggestions for improvement. In future I will start webinar on anatomy. Thank you.